कितनी अच्छी तरह धड़क रहा है आपका दिल, बताएंगे ये पांच नंबर, जाने इन नंबर्स के बढ़ने से होने वाले नुकसान। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपका दिल अच्छी तरह से धड़कता रहे तो आपको कुछ नंबर्स याद करने होंगे। आइए आपको बताते हैं ऐसे पांच नंबर्स के बारे में जो आपके दिल की सेहत को दुरुस्त रखने का काम करते हैं। दोस्तों, वीडियो आगे बढ़ाने से पहले आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल सात्विक सेहत में, जहां हम आपको अच्छी सेहत, अच्छे लाइफस्टाइल और डेली लाइफ के इंटरेस्टिंग फैक्ट्स शेयर करते हैं, ताकि आप रोग मुक्त रह सकें और अपने जीवन में कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ सकें। दोस्तों, जब बात शरीर के अंगों की होती है तो हमारे दिल की सेहत को सबसे ज़्यादा प्रमुखता दी जाती है। मानव जिंदगी के किसी भी पहलू पर बात कर लीजिए, दिल की बात होना स्वाभाविक है, लेकिन जब बात दिल की देखभाल की होती है तो जानकारी का अभाव और नज़रअंदाजगी इसके स्वास्थ्य को बिगाड़ने का काम करती है। दिल शरीर का एक ऐसा अंग है जिसकी वजह से हमारा शरीर काम करता है। अगर आपका दिल सेहतमंद नहीं है तो आपका शरीर भी सही तरीके से काम नहीं कर पाएगा। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपका दिल अच्छी तरह से धड़कता रहे तो आपको कुछ नंबर्स याद करने होंगे। आइए आपको बताते हैं ऐसे पांच नंबर्स के बारे में जो आपके दिल की सेहत को दुरुस्त रखने का काम करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ब्लड प्रेशर की। दोस्तों, दिल की सेहत को दुरुस्त रखने के लिए आपको अपने ब्लड प्रेशर के नंबर का ध्यान रखना होगा। ब्लड प्रेशर आपकी धमनियों में बहने वाले रक्त का दबाव है। ब्लड प्रेशर हाई और लो दो प्रकार का होता है, लेकिन अगर आपका ब्लड प्रेशर 120/80 है तो समझ लीजिए कि आपका दिल बिल्कुल फिट है। हाई ब्लड प्रेशर आपके दिल पर दबाव बढ़ाने का काम करता है, जो कि हार्ट अटैक की वजह बनता है। दूसरे नंबर पर बात करते हैं बॉडी मास इंडेक्स की। दोस्तों, आपका वज़न और बॉडी मास इंडेक्स सीधे आपके दिल की सेहत को प्रभावित करते हैं, इसलिए आपको अपने वज़न पर ध्यान देना चाहिए। 25 से ज़्यादा बॉडी मास इंडेक्स को ज़रूरत से ज़्यादा वज़न के तौर पर देखा जाता है और इसलिए इसे कंट्रोल करने की ज़रूरत होती है, ताकि आपका दिल सेहतमंद रहे। तीसरे नंबर पर बात करते हैं ब्लड शुगर लेवल की। आप सोच रहे होंगे कि कैसे ब्लड शुगर लेवल आपके दिल को प्रभावित करता है। आपको बता दें कि हाई ब्लड शुगर लेवल आपकी नसों को नुकसान पहुंचाता है और दिल तक जाने वाली नसों के कामकाज में रुकावट पैदा करता है। इसलिए आपको अपना ब्लड शुगर लेवल 140 mg/dL रखने की ज़रूरत होती है। चौथे नंबर पर बात करते हैं कोलेस्ट्रॉल लेवल की। आपको पता होगा कि कोलेस्ट्रॉल लेवल का सही होना हमारे दिल के लिए कितना ज़रूरी है। कोलेस्ट्रॉल भी दो प्रकार का होता है, जिसमें अगर आपका LDL यानी कि बैड कोलेस्ट्रॉल 130 mg/dL से ज़्यादा है तो हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है। कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की वजह से आपकी धमनियां सिकुड़ जाती हैं, जिससे खतरा और बढ़ जाता है। पांचवें नंबर पर बात करते हैं नींद के समय की। दोस्तों, नींद भी सीधे हमारे दिल की सेहत से जुड़ी हुई है। जितने घंटे आप सोते हैं उतना ही आप अपने दिल की देखभाल सही तरीके से कर पाते हैं। एक व्यक्ति को दिन में 8 घंटे तक सोना चाहिए। इसके अलावा सोने के वक्त के दौरान दूसरी गतिविधियों से बचें और सोने के लिए एक अच्छा माहौल तैयार करें। दोस्तों, अगर आप इन सभी बातों पर ध्यान देते हैं तो दिल की होने वाली बीमारियों से आप काफ़ी हद तक बच सकते हैं। हम आशा करते हैं यह वीडियो आपके लिए लाभकारी हो और आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारा चैनल सात्विक सेहत।
ताकि हम आपको प्रोत्साहित कर सकें अच्छा जीवन जीने के लिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।